प्रतिज्ञा कंपटीशन दादा के YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। देखिए आज का कंसेप्ट है, कंसेप्ट है आप लोग का, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एन, देन आपसे वैल्यू कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिए यहां पर एन मतलब एनी नंबर, दो चार दस बीस पचास साठ कुछ भी रह सकता है, तो आपको इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक डेरिवेशन देखेंगे कि आखिरकार इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा। इसके बाद उस चीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे और डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। तो देखिए सोचने वाली बात है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर एन है तो क्या इसको हम क्यूब करेंगे, तो इसको क्यूब करेंगे तो आएगा नहीं आएगा, इसको हमको फोर्थ रूट करेंगे तो आएगा नहीं आएगा, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो भी जाके वो हमको प्राप्त होगा। अब बात रहा है स्क्वायर का, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इज इक्वल टू से सेपरेट, अब स्क्वायर करना होगा तो सिर्फ इधर करेंगे तो भी नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग करना होगा तो आपको दोनों तरफ बोथ साइड करना होगा। तो हम लोग करने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर वी गेट तो हम पाते हैं। देखिए x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और इधर होगा n का स्क्वायर। हम लोग देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और इस कंसेप्ट में यूज होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट को हम लोग इस यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को इस कंसेप्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए एक्स कट जाएगा, फाइनली आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू। देखिए प्लस का टू था इज इक्वल से उधर गया, तो देखिए माइनस का टू। तो आज से इसको याद रखना है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर एन होगा, देन x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू। अब बात देखिए समझने वाली है, अगर आप इतना का डायरेक्ट इतना रिजल्टेंट याद रखते हैं तो आपको इतना कैलकुलेशन करने से आप बचेंगे। जैसे देखिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं और कुछ इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव, देन वैल्यू आपसे कहेगा x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो आप देख रहे होंगे यहां पर n की जगह पर मेरा पांच है, जब यहां पर n था तो ये चला n स्क्वायर माइनस टू, तो जब यहां पर मेरा फाइव आया तो यहाँ का रिजल्टेंट एन स्क्वायर माइनस टू के जगह पर एन के जगह पर हम पांच फुट कर देंगे, तो डायरेक्ट पांच का स्क्वायर माइनस टू जवाब होगा पच्चीस घटाओ दू, आंसर होगा ट्वेंटी थ्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कहता है इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सेवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि n के जगह पर मेरा 7 है, तो पुट करेंगे हम 7 का स्क्वायर माइनस टू, तो 7 सत्तर 49 माइनस टू इक्वल टू 47 आंसर। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट याद रखते हैं तो बिना कैलकुलेशन का आप झट से इसका आंसर बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन कहता है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 12 और देन वैल्यू अगर आपसे कहे x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो रिजल्टेंट n के जगह पर मेरा यहाँ पर 12 है, तो आने वाला है 12 का स्क्वायर माइनस टू यानी 144,
12 के स्क्वायर 144 माइनस 2 सबट्रैक्ट होगा 142 आंसर। देखिए इसी का हम कांसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अभी का जो लगाने वाले हैं उसमें नेक्स्ट कांसेप्ट में यूज होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। जो अभी कांसेप्ट लिखने वाले हैं इस कांसेप्ट में इस फार्मूला का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। यह फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इस फार्मूला पर देखिए क्या कांसेप्ट है। अगर आपसे कांसेप्ट if x minus 1 by x is equal to n, then value आपसे कहेगा कि x square plus 1 by x square क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जब माइनस था a minus b का भी होल स्क्वायर हुआ है तो a square plus a b square में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से a minus a x minus 1 by x is equal to n है, इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्प्लिट होगा यहाँ पर प्लस में ही। और जब आप इसकी स्क्वायरिंग और बोथ साइड से इसको आप रिजल्टेंट को प्राप्त करेंगे ठीक इसी प्रकार से कंसेप्चुअल आगे बढ़ेगा। तो फाइनली जो आपको यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 मिला था यहाँ पर n स्क्वायर आपको प्लस 2 मिलेगा, n स्क्वायर आपको प्लस 2 प्राप्त होगा। अगर इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट दिया हुआ है इतना का डायरेक्ट वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2 याद रखें, n का मान जो ही पता था यहाँ पर बैठाएंगे सेकेंडों में उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से इसको भी आप लोग को स्क्वायरिंग और बोथ साइड करना पड़ेगा। तो चलिए इस कंसेप्ट पर भी हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू आपसे कह रहा है कि हमको बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए माइनस का है, जब माइनस वाला रहेगा तो प्लस 2, और यहाँ पर अगर प्लस वाला रहता तो माइनस 2। यहाँ पर आपको कंसेप्ट दिया हुआ है तो फॉर्मूला n के जगह पर यहाँ पर क्या है 8, तो लेके चलेगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 तो 64 2 कितना होगा 66, आंसर होगा 66। अगर हमें क्वेश्चन और लेके चले इफ x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 10 देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का है तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट होता है n स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि n के जगह पर 10 है, यहाँ पर हम 10 को पुट करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 2, जवाब आने वाला है 100 प्लस 2 102। इसी के हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है कि इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू p, क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू p, देन आपसे देखिए वो वैल्यू कहेगा, ये देखिए स्प्लिट करते हैं इसको। एक कभी आपसे कहेगा कि x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू y, या आपसे कह सकता है कि x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपको दिया हुआ क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू p, देन आपको वैल्यू बताना है x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू व्हाट और x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम लोग प्रूफ करके उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं और इसके बाद इसी कंसेप्ट पर हम लोग चार प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए आप लोग को हम एक फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला बताए होंगे और वो है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसी का इस्तेमाल करके इस दिए हुए गिवन कंस्टेंसी से हम दोनों को प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसको प्राप्त करते हैं। फर्स्ट वाला कहता है कि x प्लस वन बाई एक्स का अगर हम होल स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आज ही हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं भी लगाएं तो इस फॉर्मूला से भी वो ड्राइव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए की जगह पर क्या है मेरा एक्स, बी की जगह पर क्या है वन बाई एक्स। अब आप देखिए, चूंकि हमको प्राप्त करना था एक्स प्लस वन बाई एक्स, स्क्वायर नहीं चाहिए था, स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ेगा, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो ये देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है जब उधर जाएगा, देखिए ये तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। अभी जैसे स्क्वायर उधर जाएगा तो ढलिया चढ़ जाएगा स्क्वायर। अब आप देखिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था कितना, पी, बस पी आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा पी प्लस टू। जब आप एक्स माइनस वन बाई एक्स का लगाएंगे तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप उसी फॉर्मूला का यहां पर इस्तेमाल करके फिर इसी प्रोसेस से हम लोग इसका भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक जगह पर यहां पर एक है ए स्क्वायर माइनस टू, एक जगह पर क्या है मेरा एक्स, बी की जगह पर क्या है वन बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर है वन बाई एक्स और वन बाई एक्स की स्क्वायर करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए फिर से एक्स एक्स आपको कट जाएगा तो मिलने वाला है एक्स माइनस वन का वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसका वैल्यू हमको प्राप्त है p, p को वहां पर पुट करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी माइनस टू और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा p माइनस टू। देखिए सारी बातों का एक सारांश हम लोग, अगर हमको इफ x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p दिया हुआ है, देन अगर वैल्यू हमको x प्लस वन बाई एक्स कहता है तो हम लोग करेंगे क्या, प्लस कहेगा तो ये दिया हुआ b में प्लस से करेंगे कितना दो और रूट चढ़ा देंगे। जब माइनस देखेंगे तो माइनस लगाएंगे दो कितना में p में, ये हो जाएगा p माइनस। ये आपको इतना सा बात याद रहेगा तो आप लोग को इतना सा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट में दो चार प्रश्न हम लोग बना के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62, देन आपसे वैल्यू कहेगा कि बताइए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू व्हाट, और दूसरा फ्यूचर है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अभी अभी बताया गया था कि अगर प्लस का रहेगा तो इस वैल्यू में प्लस ही टू करना है,
देखिए सॉरी यहाँ पर 64 नहीं, तो 64 से विभाग तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ 62 लिखते हैं, प्रश्न में 62 है, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 2 64 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 आंसर। अगर हम इसको बनाते तो माइनस का है तो माइनस का ही 2 लगेगा, तो 62 माइनस 2 रूट, तो 62 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 होगा, और 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 इंटू 15 में, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 2, और इसका नहीं निकलेगा रूट अंडर 15, आंसर प्राप्त होगा। हाँ देखिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, उसी कंसेप्ट पर है, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, देन आपसे वैल्यू कह दिया कि x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू व्हाट और x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू व्हाट। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे वैल्यू कहा है फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1 बाय x, तो यहाँ पर देखिए ये p का मान है, और फॉर्मूला में हम लोग बात किए थे कि जब प्लस का लगेगा तो फिर प्लस से 2 करना है और इसके बाद रूट चाहना, यहाँ पर हियर p इक्वल टू कितना है 51, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 51 प्लस 2, इसका रिजल्ट होने वाला है 53, और ये आपका आंसर हुआ। अगर इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करें तो x माइनस 1 बाई एक्स है, और इसके बारे में हम लोगों ने कंसेप्ट में देखा कि जब माइनस हो तो लाइन से करना है, किसमें जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है उसमें, तो हम लोग देखें कि p माइनस 2 रूट अंडर, यहां पर आप देख सकते हैं कि p का वैल्यू क्लियर कट दिया हुआ है, तो p का मान रख दीजिए 51 माइनस 2, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x के पावर 4 प्लस 1 बाय इफ 1 बाय x के पावर 4 इज इक्वल टू 119, देन आपसे वैल्यू कहता है कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट और x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए एग्जाम में आप लोगों को एक ही पूछेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को लेकर चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको हम कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट में इसको आप लोग पहले सेपरेट कीजिए, तो अगर इसको आप सेपरेट करेंगे तो ये नजर आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 190। अब आप गौर से देखिए, तो जो पिछला कंसेप्ट में जहां पर x था वहां पर x स्क्वायर हो गया है, अगर आप चाहें तो अगर समझ में तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको लेट भी कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, अगर p मान लेते हैं या अगर आप z मान लेते हैं तो नजर आएगा z स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर इज इक्वल टू 190, और ये वैल्यू किसका है p के स्थान पर, तो अब इसको तो आप लोग जानते ही है कि अगर z स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर का वैल्यू पता है तो हम लोग आसानी से z प्लस 1 बाय z बता सकते, और वो होता है p प्लस 2 रूट अंडर, p के स्थान पर आपका 119 है और प्लस 2 कर दीजिए तो 121 का रूट अंडर, और ये आने वाला है 11। अब आप देख रहे होंगे कि आपसे वैल्यू मांगा है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, तो आपका z में आंसर आया है तो फिर आप z के जगह पर x स्क्वायर तो रख ही सकते हैं, तो रिजल्ट आने वाला है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 11, और जो आपसे मांगा था वो आपका जवाब मिल चुका। देखिए अगर इसी से हम लोग तोड़े दूसरा क्वेश्चन z माइनस 1 बाई z,
चूंकि माइनस वाला है तो पी माइनस टू के रूट पी के जगह पर है कितना 119 माइनस टू। यहां से आप रूट निकालेंगे, घटाएंगे 117, तोड़ेंगे भी तो 13 × 17 हां से होता है 9 का वर्गमूल 3 √13। और चूंकि जेड में आंसर आ रहा है तो जेड को आपने पहले ही लेट कर लिया है, उस जेड के जगह पर जो लिए हैं वो दीदी, ठीक है लिए हैं तो दीदी है, तो जेड के जगह पर आप रख दीजिए x² - x² कहीं फिर आपको मिल जाएगा 3√13। और आ गया जिसका मुझे था इंतजार, यही वैल्यू का इंतजार था, देखिए आ गया है 3√13 आंसर। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि x + 1/x = 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। देखिए देखने में तो बड़ी आसान लग रहा है, लेकिन इसको बना के देखिए आप लोग को क्या जरूरत है, ठीक है? तो ये कैसे देखिए वैल्यू निकलेगा आखिरकार, आप सोच रहे हैं कि इसको हम एलसीएम लेकर निकालने हैं, एलसीएम लेकर बनाइए देखिए निकाल के एक्स के मान, दिक्कत भी होगा बहुत ज्यादा दर्द करेगा, तो हम लोग को देखिए कम दर्द में इसको निपटारा करना है, ज्यादा दर्द अगर नहीं करवाना आप लोग को, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी हम लोग बात किए कि अगर x + 1/x का मान अगर दिया है तो इसके जरिए हम लोग पहले x² + 1/x² निकाल, तो आज ही की वीडियो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि इसका वैल्यू होता है, अगर x + 1/x का मान अगर n दिया है तो हम लोग x² + 1/x² का, देखिए लहर लहर बना रहे हैं ढंग से समझिए आप लोग, तो n के जगह पर यहाँ पर कितना दिया होगा 16, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n² - 2। अब आप देखिए वहां पर n के मान हमको मिल गया है 16, अब यहाँ पर हम 16 बैठा दें तो ये जवाब हो जाएगा 16² - 2, तब 16² आपको जाता है 256 होता है, तो 256 में से हम लोग 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनली हमको मिलने वाला है 214। और अभी हम लोग पढ़े कि अगर x² + 1/x² का वैल्यू अगर हमको 254 मिल गया तो इससे हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, x + 1/x का भी निकाल सकते हैं और x - 1/x का निकाल सकते हैं। तो ये तो वैल्यू अब p का हो गया है, प्लस वाला में हम लोग पढ़े थे p + 2 का रूट अंडर, और माइनस वाला में पढ़े थे p - 2 का रूट अंडर। तो अगर p के मान पुट कीजिएगा तो इस सवाल में बन जाएगा जी, रख के देखिए तो 254 + 2 तो फिर 256 के रूट अंडर 16, देखिए फिर तो इस सवाल मिल गया, लेकिन आपको तो वैल्यू निकालना था x - 1/x का, हर वो तो देखिए ये इस पर बैठाइएगा तब नहीं आंसर आएगा, तो p के मान कितना है 254, यहाँ रख दीजिए 254, जैसे 254 - 2 करेंगे तो आ गई आपका 252 आ गया। आप इसको चाहेंगे तो रूट को भी तोड़ सकते हैं, देखिए 4 से डिविजिबल मतलब 4 में तो बड़े होइबे करेगा, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, जैसे इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12 और ये आपको 9 से कट रहा है, इसका मतलब 36 से भाग लग जाएगा इसमें, मतलब इसको चाहेंगे तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, 4 × 9 = 36 हो गया, और इसके बाद ये टूट जाएगा आपको देख सकते हैं आप 63, ये कटेगा आपको 4 × 7 × 9। जब 252 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तोड़िएगा तो 4 × 9 = 36 और 7 × 6 = 42 के 2 × 4 = 70 कैसे 252 ये रहा है, तो 4 × 7 × 9 में तोड़ दीजिए, ये 4 का वर्गमूल देखिए 2 फेंकेगा
हम 9 के वर्गमूल 3 फेंकेगा और 7 के वर्गमूल फेंक के नहीं रहा तो अंदर रखिए इसको दबा के लॉकडाउन में रखिए अंदर है तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 7 और यही आप लोग का आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए। ऐसे आप बना के मियां जहुरावत रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और दम तक घंटा दबाइए इसमें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।